जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो इलेक्टिव का सब्जेक्ट आपका है वीड मैनेजमेंट का, तो उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि आपके पास वीड मैनेजमेंट नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, तो उसका कमेंट मुझे दे जिससे मैं उसका भी वीडियो बना सकूँ। तो चलता हूँ, वीड मैनेजमेंट वाले लोग इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पौधे को खरपतवार माना जाता है? तो किसको माना जाता है इनको? इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, सभी होंगे। अमरनाथ भी है, जंगली गाजर भी है, सफ़ेद तिपतिया घास भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, खरीफ मौसम के खरपतवार हैं तो कौन से हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। खरीफ मौसम के जो खरपतवार हैं कौन से हैं? ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ऊपर के सभी, एल्सिन, इचिनोकोला, सोलोनिया, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रबी मौसम का एक खरपतवार कौन सा है? तो रबी मौसम का एक खरपतवार दोस्तों कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा, सभी हैं ये रबी मौसम के। तो आर्गेमोन भी है, फैलेरिस भी है, केनोपोडियम भी है। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गेहूं के मामा का बॉटेनिकल नेम, तो फैलेरिस माइनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, साइपर रोटेंडस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है इसे दोस्तों? अखरोट घास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, गेहूं के लिए बहुत विशिष्ट खरपतवार है कौन सा है? तो चौथ, इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, गेहूं का मामा, जिसे फैलेरिस माइनर कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, फैलेरिस माइनर सीड की डोरमेंसी है, तो डोरमेंसी कैसी होती है? तो 4 से 5 साल के लिए होती है डोरमेंसी, सुसुप्तावस्था। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, खरपतवारों का प्रसारण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऊपर के सभी। तो इसमें दोस्तों, प्रकंद एवं बल्ब, कंद और चोरी, और चूसने वाले, और बीज के द्वारा, सभी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, कॉनोबुलस सपा मूल प्रक्रिया है तो किसकी है दोस्तों? तो यह जो है ऑप्शन बी आपका इसमें राइट होगा, गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, द्विवार्षिक खरपतवार कौन सा है? तो द्विवार्षिक खरपतवार जो है दोस्तों आपका डी से सही होगा ऑप्शन, इसमें ऊपर के सभी होंगे। डाकस कैरोटा भी है, सरसियम वालगेयर भी है, अल्टरनेथ्रा मुर्गियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, बारहमासी खरपतवार कौन सा है? तो बारहमासी खरपतवार कौन सा है? ऊपर के सभी इसमें हैं बारहमासी। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी राइट होगा, ऊपर के सभी। साइप्रस रोटेंडस भी होता है, साइनोडोन सपा भी होता है, कॉर्नवालंस भी होता है। नेक्स्ट आता है, एक बांध खरपतवार कौन सा है? तो एक बांध खरपतवार दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों। तो इसमें एनागलिस भी है, चिनोपोडियम भी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ऐच्छिक खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो ऐच्छिक खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें भी ए एंड बी दोनों होंगे। तो इसमें आर्गेमोन भी होगा और यूफोरबिया भी होगा। नेक्स्ट आता है, सेज वीट कौन सा है? तो सेज वीट दोस्तों कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, साइप्रस एसपीसी। नेक्स्ट आता है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? तो 13 नंबर का आंसर आपका बी राइट होगा, इसमें चिनोपोडियम होगा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। नेक्स्ट आता है, सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण जो है आपका वो गेहूं के चावल होंगे, सापेक्ष खरपतवार। नेक्स्ट दोस्तों आता है, दुष्ट खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो दुष्ट खरपतवार का उदाहरण जो है वो आपका ए राइट होगा, ऑप्शन कृष्ण चावल में किरण चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 16 नंबर, चावल में जंगली चावल का उदाहरण है तो जंगली चावल का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, मिमिक्री खरपतवार। नेक्स्ट आता है दोस्तों, फसल खरपतवार प्रतियोगिता का प्रभाव हमेशा होता है तो कैसा होता है? तो 17 का ऑप्शन आपका ए राइट होगा, नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 18 नंबर, फसल खरपतवार प्रतियोगिता हो सकती है तो किसके बीच हो सकती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों। तो इंटर स्पेसिफिक भी होती है और अंतः विशिष्ट भी होती है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन,
तो सेमी रूट परजीवी खरपतवार कौन सा है? तो सेमी रूट परजीवी खरपतवार जो है आपका आंसर बी राइट होगा, इष्टिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुल जड़ परजीवी खरपतवार, तो कुल जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ओरोबांची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कुल तना परजीवी खरपतवार कौन सा है? तो कुल तना परजीवी खरपतवार जो है आपका कसकुटा होगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 22 नंबर, बासी बीज क्वारी विधि में पूरा हो गया है, तो क्या पूरा हो गया है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, अंकुरित होने वाले खरपतवार के बीच में नितिस्थवता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिरोपित धान में कार्प बीड प्रतियोगिता काल है, तो कार्प बीड प्रतियोगिता काल कौन सा है? तो 23 का आपका आंसर बी राइट होगा, 30 से 45 दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेड लाइंस किसकी स्थित है? तो वेड लाइंस दोस्तों किसकी स्थित है? तो इसका आंसर आपका बी राइट होगा, खरपतवारों की प्रचुरता की, तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 25 नंबर, खरपतवारों के कारण उपज में कमी सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किस में होती है? तो ऑप्शन आपका इसका सी राइट होगा, कपास में होती है कमी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, खरपतवार एक लाभकारी पौधा है जब दोस्तों, तो जब इसमें ऑप्शन डी राइट होगा ऊपर के सभी, तो इसमें जब लॉन बनाने में उपयोग किया जाता है, सतह आवरण होता है, स्क्रीन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है ट्राइडेक्स प्रोकोम्बेन ने खरपतवार फैलाव के लिए, तो 27 का आंसर आपका सी राइट होगा, पप्पू पप्पू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है किस प्रकार के खरपतवार के बीज बालों से ढके होते हैं? तो किस प्रकार के ढके होते हैं? तो ऑप्शन इसका एक ए राइट होगा, कोमोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एनीमोन एसपी में बीज फैलाव प्रकार का है, तो किस प्रकार का फैलाव होता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, पंख शैली। दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है पवन प्रकीर्णन को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन आपका इसका डी राइट होगा, ऊपर के सभी, बीज का वजन, बीज का आकार, हवा की गति और अशांति। तो दोस्तों एक वीडियो और मैं डालूंगा वीड मैनेजमेंट की, तो उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे बहुत ही क्वेश्चन आपके आएंगे परीक्षा में। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।